सेक्रीफाइस कई तो देख रहे हैं संत महात्मा, कोई सेक्रीफाइस नहीं, यहाँ तो दिन रात सेक्रीफाइस है। मैं सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज जो कुछ भी मैंने देखा है, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, अब तक मैंने नहीं देखा, ये मेरा ज्ञान था, मैं कबूल करता हूँ आपके सामने, आज मेरी आंखें खुली हैं। बहुत कुछ देखा, आई कांट इमेजिन। बहुत ही अच्छा काम, पवित्र काम यहाँ होता है, पूरा ज्ञान का प्रसार होता है, धर्म का प्रसार होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। परंतु यहाँ आने के बाद में 40,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था एट ए टाइम, आई कुड नॉट हैव इमेजिनड। आई टेल यू व्हेन आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज, एंड आई एम टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एक्सेप्ट आई एम मेस्मराइज्ड टुडे, आई एम मेस्मराइज्ड, आई हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन। अभी हम जिस घड़ी के इंतज़ार कर रहे हैं, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय ऑनरेबल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, गवर्नर ऑफ आसाम गुवाहाटी। मृत्युंजय भाई जी ने आपका बहुत सुंदर परिचय दिया, हम सभी आपके कार्यक्षेत्र को तो जानते ही हैं, लेकिन मैं केवल आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि आप देश प्रेमी तो हैं ही हैं, विश्व प्रेमी भी हैं, लेकिन साथ साथ आपका प्रभु से भी बहुत प्यार है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ आपका अगाध प्यार है। आप बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की बहुत अधिक सराहना करते हैं, और हम सबके बीच में अपने कीमती समय से समय निकालकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको यहाँ पाकर बेहद गदगद हो रहे हैं, और आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय ऑनरेबल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, समारोह में जिनकी उपस्थिति होनी थी, संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी, अभी हमें जानकारी मिली तबीयत ठीक नहीं होने से यहाँ नहीं उपस्थित हुई। सर्वप्रथम उनको मेरा अभिवादन और प्रणाम। इस गरिमामय मंच पर उपस्थित राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, राजयोगी निर्वैर जी, राजयोगी ब्रिजमोहन जी भाई, राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, ऑनरेबल जस्टिस मोहन बहादुर कार्की जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ नेपाल, प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार जी मिश्रा, वीसी नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, राजयोगिनी बीके नलिनी बहन, राजयोगिनी बीके गोदावरी बहन, राजयोगिनी बीके शिला बहन गुवाहाटी की प्रमुख है, और उनके आदेश से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और सभी एडीसी साहब बोलते हैं कि आप लेडी गवर्नर का नाम भूल गए हैं। चलिए,
लेडी गवर्नर इज ऑल्सो प्रेजेंट विद हियर, उनको भी यह अवसर मिला है, ये भाग्य की बात है। और सभी ब्रह्म कुमारीज, भ्राता, बहन, उपस्थित सज्जनों, देवियों, आमंत्रित सभी मेहमान, आज हमारे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा उत्सव होता है, नव वर्ष का प्रारंभ। और आज के इस पवित्र दिन, इस पवित्र प्रांगण में दिव्य और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होना, ये मेरे बहुत बड़े सौभाग्य के अलावा संभव नहीं होता। बाबा का आशीर्वाद होगा। और भी दिन नियोजित थे, पर आज का पवित्र दिन, पवित्र प्रांगण, पवित्र वातावरण, सौभाग्य की बात है। अकेले मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी है, आप सबके लिए योग करते। योगा योग नहीं है। शीला बहन ने कहा था, चार दिन में से कोई भी दिन डेट खाली थी, तो मेरा संभव यही हुआ आज के दिन। कोई मुहूर्त पंडित से पूछा नहीं, निकाला नहीं, गुड़ी पाड़वे के दिन यहाँ पर इस वक्त आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली 80 वर्ष पूरे करके 81वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। बहुत आनंद का क्षण है हमारे लिए, सभी के लिए, देशवासियों के लिए आनंद का क्षण है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय मैं ब्रांचेस से जुड़ा हुआ था, केंद्रों में गया हूं। यहां करीब करीब बहुत पहले, मैं पत्रकार भी हूं, करीब 30 या 32 साल पहले एक सेमिनार था जर्नलिज्म के ऊपर, करंजिया साहब के साथ में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, मुझे याद है। वो भी बहुत अच्छा सेमिनार था, अच्छे डिस्कशन हुए थे। उसके बाद मैं नागपुर में, तो मैं जाते ही रहा हूँ। गुवाहाटी आया तो गुवाहाटी में भी वैसे ही जुड़ गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी जो भारत की महान संस्कृति है, यह हजारों वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। 5-6 हजार वर्ष तो वेदों का हमको ज्ञान है, 5 हजार वर्ष पुराने वेद है, परंतु ये तो उससे भी पुरानी संस्कृति है। और उन्होंने लिखा है, कहा है, कई संस्कृतियां आई और कई संस्कृतियां चली गई, कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल, और हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी आज भी जीवंत है, जीवंत है। और उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, जीवंत इसलिए है कि धर्म के ऊपर टिकी हुई है। हमारी संस्कृति का धर्म का आधार है, धर्म की जड़ मजबूत है। और लगातार 80 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उन धर्म की जड़ों को हमारे देश में हरी भरी रख रहा है। ये काम लगातार 80 वर्षों से हो रहा है, तभी हमारी संस्कृति टिकी है, तभी हमारी संस्कृति टिकी है।
पूरी ताकत से हमारी संस्कृति को रखना है, ख़त्म करने के लिए प्रयत्न नहीं कम नहीं हुए थे। संस्कृति को भी हमारी नेस्त नाबूद करने के लिए मुगलों ने नेस्त नाबूद करने के पूरे प्रयत्न किए, सब कुछ कर डाला, फिर भी बची हमारी संस्कृति। धर्म का आधार बहुत मजबूत रहा, अंग्रेजों ने भी उसी तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश, आज भी चालू, फिर भी संस्कृति मजबूत है, क्योंकि धर्म को बहुत मजबूत आधार है ऐसी संस्थाओं का, ऐसी संस्थाओं का। इनसे जुड़े रहना भी, मैं कह रहा हूं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हो, जो भी इस संस्था से जुड़े हुए, कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार प्रश्न उठते हैं, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर किसने देखा? मित्रों, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सच्ची घटना। हमारे मेरे पिताजी के जमाने से हमारे घर में गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण आती है, कल्याण मैगजीन आती है, उसमें कुछ सच्ची घटनाएं आती है। एक डेढ़ साल पहले एक घटना थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा था, शायद रामकृष्ण मठ के स्वामी जी की लिखी हुई वो घटना है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। वो था करीब करीब ऐसा समझिए 40-50 साल पहले, 41 साल पहले की घटना, 50 साल भी हो सकती। आजकल तो हार्ट के ऑपरेशन है, हार्ट बदलना है, ये कॉमन है, परंतु 40 साल पहले इंडिया में हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते थे, फॉरेन में होते थे, होते थे तो इक्के दुक्के। मुंबई के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मंडके, मंडके नाम उनका, वो एकमात्र जिनको कि एक्सपर्ट कहा जा सकता है ऐसे सर्जन थे, हार्ट के सर्जन। तो डॉक्टर मांडके के सक्सेसफुल ऑपरेशन की चर्चा चारों तरफ हुई और दिल्ली में एक अवार्ड के लिए उनको नवाजने के लिए बुलाया गया। अब देखिए, डॉक्टर मांडके दिल्ली में, बॉम्बे में रहते थे, दिल्ली में 6 बजे फंक्शन, उसमें डॉक्टर मांडके को अवार्ड लेना है। मॉर्निंग बॉम्बे की फ्लाइट से निकले हैं, दिल्ली कोई थोड़ी दूर रहा होगा, पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी प्लेन में कुछ बिगाड़ आया है, टेक्निकल फॉल्ट है, हमको फोर्स लैंडिंग करना पड़ रहा है नीरेस्ट जगह, नीरेस्ट जगह फोर्स लैंडिंग हो गई। 10-11 बज गए, इंक्वायरी किया, कोशिश किया कि भाई ये कब जाएगा प्लेन, बोले ये तो खराबी है, जाएगा नहीं, इसके पार्ट आएंगे, इवनिंग फ्लाइट से ही पॉसिबल होगा, जो कि यहाँ 6-7 बजे आएंगे, और वहाँ से दिल्ली पहुँचना तो पॉसिबल नहीं। एक ने सजेस्ट किया, आप बाहर उतरिए, टैक्सी करिए, अच्छी टैक्सी लेके आप चले जाइए, आप बराबर 6 बजे के पहले पहले 5 बजे तक आपको टैक्सी पहुँचा देगी दिल्ली, ठीक है, जाना ज़रूरी, अवार्ड लेना था। निकले, अब देखिए जैसे निकलते हैं, हवा धुंध खूब आगे, एक घंटे के बाद में, 5 घंटे की जर्नी है, 1 घंटे के बाद में तूफान आया, गाड़ी के ड्राइवर ने हाथ ऊपर कर दिए कि मैं नहीं जा सकता। ड्राइवर, हवा तूफान चालू है और शायद हमको लगता है रास्ता भी भूल गए हम हवा तूफान में, क्या करना? डॉक्टर ने बोला कोई घर के पास तो रोक, घर के पास में है। रुके, खटखटाया एक घर, एक सब्रांत महिला थी आई, उसने देखा कि ये व्यक्ति भी सब्रांत है, डॉक्टर थे, सीधे साधे हैं, बोले आइए भाई साहब, आइए अंदर घर में। उनको सत्कार किया, चाय वाय पिलाया, बैठाया, और कैसे, बोले हादी तूफान है, ठहरिए, ठहरने के बाद जाइए, घर आपका ही है, आप रुकिए।
वो महिला। फिर महिला ने कहा मैं तो पूजा करूंगी, मेरा पूजा का टाइम हो गया, लड्डू गोपाल का झूला, वो पूजा करने लगी। बोले आपको करना है तो आप भी करिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप कर लीजिए, मैं देख रहा हूँ। उसने झूला उला झुलाया, विधि विधान से सारी पूजा की। जब पूजा करके चरणामृत प्रसाद दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला आप इतना विश्वास करते हो, क्या कारण है? बोले मेरे एक लड़का है, उसकी 3 साल की उम्र है, उसको हार्ट में बहुत बड़ी बीमारी है। आसपास के सारे डॉक्टरों को, बड़े बड़े सर्जन को मैंने सबने दिखा दिया, वो बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं, इसका इलाज करने वाला यदि हिंदुस्तान में है तो कोई बम्बई में एक डॉक्टर मांडके है। अब वो डॉक्टर मांडके के पास बम्बई जाने के लिए एक तो पैसा नहीं, और यदि मैं पैसा जमा लूँ वो कितना मुंह फाड़ेगा इसका मुझे अंदाज नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं गरीब हूँ। वो मांड के सुन रहा है। सुनने के बाद में बोला बहन अब वो मेरा अवार्ड तो जाने दे, अब तू तो मेरे साथ चल बम्बई। बोले आपके साथ कैसे चलूँ? सच्ची घटना है, इसको क्या बोलोगे? वो गरीब महिला त्राही त्राही कर रही, उसका इकलौता पुत्र हार्ट में, बचने की उम्मीद नहीं, डॉक्टर के पास बम्बई जाने के पैसे नहीं, डॉक्टर उसके घर पे किस तरह से खींच के आया, क्यों तो प्लान बिगड़ना हो सकता है। मैं अंदाज करता हूँ दिल्ली के पास का या तो जयपुर होगा या आगरा एयरपोर्ट होगा, कहीं भी उतरा होगा जहाँ से 6 घंटे 5 घंटे लगते हों। क्यों वो बिगड़े, क्यों टैक्सी ले, फिर हवा धुंध आए, वही घर के सामने क्यों रुके? वो भगवान ने भेजा कि नहीं? अब ईश्वर है कि नहीं इस दुनिया में, इसका जवाब आप आत्मा से दो। ईश्वर है, सच्चे मन से पुकारो, निस्वार्थ ईश्वर आपके साथ दौड़ेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमको, मुझे तो आनंद ही आनंद है। क्या समारोह शानदार है, उज्ज्वल धवल वस्त्रों में कितना पवित्र वातावरण दिख रहा है, खाली काले कोट में मैं ही दिखता हूँ। अब कंपल्सन है समझ लीजिए आ गया। बहुत बड़ी सेवा है समाज की, बड़ी सेवा है राष्ट्र की, प्रभु की कृपा है, हमारी संस्कृति महान है। मैं हमारे यहाँ जाति पाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है ना समाज, ये गलत है। हमारी संस्कृति में कहीं जाति पाति का उल्लेख नहीं है। उसका मैं चित्त विनोदनी पढ़ रहा था, आप ध्यान से सुनिए, यदि उसको देखो तो हमारी संस्कृति के बारे में उसमें लिखा है, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठश्च महामुनि, वशिष्ठश्च महामुनि वैश्या गर्भ समुत्पन्नो, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदश्च महामुनि, नारद महामुनि कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो, कैवर्ती मतलब केवट, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो व्यासश्च महामुनि, क्षत्रिय गर्भ उत्पन्नो शीर्षस्थ श्रृंगो महामुनि, और कुंभाश्चैव समुत्पन्नो अगस्तश्च महामुनि, अगस्त महामुनि, सुद्री गर्भ समुत्पन्नो कुशकश्च महामुनि, और तपस्यादय ब्राह्मणो भूयात् तस्मा जुआ कारणम चित्त विनोदनी। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि कहाँ जन्म हुआ, किसके यहाँ हुआ, कौन से समाज में हुआ, उसको देख के समाज मटा नहीं है। अभी तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूर वीर महान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
वो क्षत्रिय, परंतु दुबला पतला डरपोक भी होगा तो क्षत्रिय है। ब्राह्मण, ब्राह्मण पुत्र, ज्ञान है या नहीं है, भंडार है कि नहीं है, वीसी साहब तो कॉलेज चलाते हैं, डफर भी होगा परंतु ब्राह्मण है। ब्राह्मणम पूज्यते सदा, गलत है, कहीं नहीं। ये दीवारें टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए, और उसको हमारा आधार है ग्रंथों का, संस्कृति का, ये ना रहें कहीं भी। अंत में मैं गांधी जी का सेवन सोशल सिंस, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में लिखा था, गांधी जी में की पत्रकारिता थी यंग इंडिया, सेवन सोशल सिंस गांधी जी ने बताए थे। कौन से हैं? नंबर वन, दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, गांधी जी का 22 अक्टूबर 1925 यंग इंडिया का आर्टिकल है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए ग्रेट सिन, राजनीति को धर्म का आधार होना चाहिए। हमारा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय अंकुश है, धर्म का अंकुश राजनीति में आना बहुत जरूरी है, यह आवश्यक है, धर्म का अंकुश, नहीं तो राजनीति बेकार। प्रिंसिपल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, प्लेजर विदाउट कॉन्शंस, कॉन्शंस बाइट कर रहा है, प्लेजर, क्या प्लेजर? किसी को जुआ खेलने में प्लेजर है, किसी को दारू पीने में प्लेजर है, किसी को कुछ में, दैट इज वेरी बैड। कॉन्शंस गांधी जी ने कहा है, प्लेजर विदाउट कॉन्शंस, देन वेल्थ विदाउट वर्क, दैट इज इजी मनी, ब्लैक मनी आ रहा है बिना मेहनत के, बीज बचाओ दलाली करके पैसा, पाप है, पाप का पैसा घर में नहीं आना चाहिए, ये हर एक ने ध्यान में रखना। वो खानदान को बच्चों के लिए खराब होता है, कभी नहीं। देन नॉलेज विदाउट करेक्टर, नॉलेज विदाउट करेक्टर, भाई वीसी साहब आप कितनी पीएचडी की डिग्री दे दो परंतु यदि वो करैक्टर लेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर पीएचडी डिग्री? करैक्टर होना जरूरी है हर एक आदमी में, नॉलेज के साथ में करैक्टर इज ए मस्ट, गांधी जी ने कहा है। एंड आल्सो यहाँ हमारे व्यापारी भाई भी होंगे, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, व्यापार में मॉरल होना चाहिए, क्लियर कर। आजकल मोदी जी भी बोलते हैं ना, ब्लैक मनी पे हमला है, हमला है तो रखते क्यों ब्लैक मनी? मॉरल, व्यापार में कॉमर्स विदाउट मॉरल, एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस के लिए भी मानवता का साथ जरूरी है, नहीं टेररिस्ट लोगों के हाथ में जैसे पाकिस्तान घबरा रहा है ना, चल रहा है ना, एटम कौन से दिन एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में जाके दुनिया कहाँ बर्बाद कर देंगे? आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। गांधी जी ने पहले से ही फोरसाइट थी, और गांधी जी ने कहा था एंड वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ टोटल सेक्रीफाइस के साथ में वर्शिप हो रहा है, हैं? यहाँ नमन करने की जरूरत है, नमन करने की जरूरत, दिस इज द एग्जाम्पल, और गांधी जी ने कोट किया है। सेक्रीफाइस कई तो देख रहे हैं संत महात्मा, कोई सेक्रीफाइस नहीं, यहाँ तो दिन रात सेक्रीफाइस। मैं सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आज जो कुछ भी मैंने देखा है, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, अब तक मैंने नहीं देखा, ये मेरा ज्ञान था, मैं कबूल करता हूँ आपके सामने, आज मेरी आंखें खुली हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, आई कांट इमेजिन।
यहाँ का दैट सोलर पावर का प्रोजेक्ट वंडरफुल। मैं तो कई जगह गया हूँ और मैं तो पूरा पब्लिक लाइफ गई है ना मेरी, टोटल पब्लिक लाइफ सिंस ऑलमोस्ट ऐसा समझ लिए 75 से। ट्वाइस आई वॉज MLA, थ्राइस आई वॉज मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, आई वॉज मिनिस्टर ऑल्सो। पूरा सोशल वर्क है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस सभी करने के बाद में कल्पना थी बहुत ही अच्छा काम, पवित्र काम यहाँ होता है, पूरा ज्ञान का प्रसार होता है, धर्म का प्रसार होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। परंतु यहाँ आने के बाद में 40,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था एट ए टाइम, आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड। आई टेल यू व्हेन आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज एंड आई एम टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एक्सेप्ट आई एम मेस्मराइज्ड टुडे, आई एम मेस्मराइज्ड, आई हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन। इट इज़ रियली ग्रेट, यू आर सो ग्रेट। इतनी बड़ी संस्था, इतने लोग जुड़े हुए, इनसे जुड़िए। धर्म का काम है, धर्म का ज़्यादा भगवान का काम आप लोग कर रहे हो, भगवान का काम आप लोग कर रहे हो, आपका अभिनंदन। ये सब दूसरा इसका शब्द नहीं है, मेरी अनंत शुभकामनाएं आज के दिन। बहुत से हमारे पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हैं, उनको आज नवाजा गया है, उनका कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन को आपने रिकग्नाइज किया, ये भी बड़ी बात है। उसको रिकग्नाइज करना, उनकी पीठ थपथपाना, समाज के सामने रखना, उसके दो अर्थ हुए। इनको हमने सम्मानित किया, ये सम्मान के भूखे थे, ये सवाल नहीं। मैसेज ये जाता है, यंग जनरेशन, यंग जो जर्नलिस्ट है, यंग पत्रकार है, यंग लोग हैं, कि काश उनके मन में एक तरह से अंकुर फूटे कि इसी तरह से एक न एक दिन हमारा भी इस मंच से सत्कार हो और उस दिशा में यदि काम करें। बहुत बड़ा मैसेज है, मेरी सभी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म के काम को ईश्वर का साथ रहता है। मेरा आप लोगों से सभी से आह्वान है, तन मन धन से इस संस्था से जुड़िए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इससे पवित्र और बढ़िया संस्था मेरी नज़र में दूसरी आज तक आई है। बड़े प्यार भरे स्वागत के लिए बहुत प्यार भरा स्वागत हुआ आज के दिन, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और आने वाले बरसों न बरसों आज का दिन मैं भूलने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने इस संस्था के द्वारा, जो कि एक फैमिली के रूप में कार्य कर रही है, आपने इसके द्वारा किए गए कार्य की बहुत ही सराहना की है। हम आपको पूरे दृढ़ता, निश्चय और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं राष्ट्र को, समाज को, देश को, विश्व को श्रेष्ठ बनाने का, ये हम करते ही रहेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन इस धरती पर स्वर्ग लाकर ही छोड़ेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है।